हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि गए थे हम मार्केट में, और अनिकेत मार्केट गए थे और सब्जियाँ लेकर आई हूँ। काफ़ी सारी सब्जी लाई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जी आई नहीं है। मैं गई भी थी तो मार्केट बंद था, यहाँ पे मंडी उंडी कह रहे 2-3 दिन से बंद है। तो मैं सब्जी लाई वहाँ से जाके, और सच में इतनी भीड़ थी, पुलिस का भी थे, काफ़ी सारे पुलिस वाले भी खड़े थे, पर भीड़ बहुत थी। और वो कहते हैं ना, मन में डर तो रहता ही है। फिर आते ही मैंने अनिकेत को कहा तू नहा ले, मैं भी नहाई हूँ और फिर मैं सब्जियाँ धोऊंगी सारी। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते क्योंकि सुबह से आज वीडियो शुरू नहीं हुआ है और दोपहर हो चुकी है, तो गुड आफ्टरनून अली। मैंने कहा चलो गुड्डू है, मुन्नू तो घर में ही थे। और सब्जी देखो मैं क्या क्या लाई हूँ, ये टमाटर, भिंडी, केले, साग, नींबू, मिर्च, आलू, प्याज, कटहल, पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ। बहुत सारी सब्जियां मैंने कहा लाई है चलो मम्मी। जब बाजार चले जाते हैं, हरी सब्जियां दिखती हैं ना, तो मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। चले फिर सब्जी धो लेते हैं। गर्म पानी लिया है और नमक लिया है, नमक और गर्म पानी में धोऊंगी, फिर आपसे बातें करती हूँ। बाय बाय ये बाय। इसे ये वीडियो शुरू होता नहीं और ये बाय करना शुरू कर देती है। नहीं, हाय 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 हाय। और हाय वो तो लास्ट में करूंगी ना। वो लास्ट में करेगी ना, नहीं प्लानिंग के दिखाओ 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 प्लानिंग के साथ मम्मी, करती दिखाओ हूँ। तो दिखाओ तो। चलो ठीक है, धो लेते हैं पहले। आ गई हूँ मैं दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो मैं छोले बना रही हूँ दोपहर में। छोले मैं उबाल के चली गई थी जब मार्केट गई थी, फिर मैंने आके छोंक दिए थे। तो छोले छोंकते हुए मैंने हींग डाला है, जीरा डाला है, और 2 बड़े प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं, तो वो भी डाल दी है मैंने। और जब ये हल्के से हो जाएंगे ब्राउन, तो मैं इसमें लहसुन कूट के डाल दूंगी। मैं बताऊँ, बाजार मार्केट गई हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं रहा अदरक का, तो अदरक नहीं था, फिर मैंने लहसुन ही डाला है कूट के उसमें। और वो जब हो गया था, मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर जो है चॉपर में बारीक चॉप कर लिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने। और बस जब टमाटर हो जाएंगे तो मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, 2-3 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। और जब ये हो जाएगा तो बस मैं अपने जो सूखे मसाले होते हैं, तो मैं उनका ना घोल तैयार करके डालूंगी। तो घोल में मैंने हल्दी पिसी हुई पिसी, लाल मिर्च और रंगीन वाली मिर्च और गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और नमक, ये घोल के डाला है। तो क्या होता था पहले ज़माने में, हमारी दादी नानी इसी तरह से घोल के डालती थी। कुछ तो बात रही होगी ना जो उस टाइम पे लोग इस तरह से मसाला घोल के डालते थे। तो मैं भी कभी इसी तरह से मसाला जो है पानी में घोल के और डाल देती हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसे भिगो देती हूँ, फिर डाल देती हूँ। मसाला मेरा हो चुका था, मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं। और बस छोले डालने के बाद हुआ क्या था, ये ना पूरे गले नहीं थे अच्छे तरीके से, जैसे मिल जाते हैं। तो बाद में मैंने कुकर में चढ़ा के 2-3 सीटी लगा ली थी और चावल बना लिए थे बाद में। हेलो, गुड इवनिंग। मैं दिन में ना सो गई थी, आपसे बात करी, सब्जी सुब्जी धो के रखी, फिर छोले उबाल के तो मैं चली गई थी मार्केट। फिर मैंने छोले बनाए, चावल बनाए और खा पी के बस सो गई। और वो होता है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं और थक जाते हैं, थकान सी लगती है। मुझे होता है जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे थकान लग जाती है। और छोले खा के तो नींद तो आनी है। और अभी मेरी आँख खुली है, 4 बजे मेरी आँख खुली मैंने, और नींद इतनी गहरी नींद आई ना, पता नहीं रात को कहाँ जाएंगे। ये भी सो गई, मैं भी सो गई नहा के। और देखो बालों में कंघी भी नहीं करी, बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं। बाल में कंघी भी नहीं करी, इसके भी नहीं करी, अपने भी नहीं करी, बाल में कंघी करनी है। ये सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और अभी चने भी गो रखे, चने की दाल भी गो रखी है, सोचा था उसकी बर्फी बनाने के लिए, पर अब टाइम नहीं है क्योंकि 4 से 4:15 हो रहे हैं, 4:15 से ऊपर टाइम हो रहा है। तो जो चने की दाल भिगोई थी उसके पकौड़े उतार लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। और शाम को राई का साग ला रखी हूँ, वो बनाऊँगी। और बस भी बारिश हुई है और अच्छा हो गया। मैं अभी छत पे ही जा रही थी बल्कि आपसे बात करने के लिए, मैंने कहा चलो छत में चलते हैं, थोड़ा सा मौसम दिखाते हैं। पर बारिश आ रही है और बस कल जाऊंगी इन्हें ना लेके डॉक्टर के पास, दवाई कल ख़त्म हो जाएगी तो कल जाना है।
और इनके मन में पता नहीं क्या बात बैठ गई है, क्या बात लेके बैठ गया है, और उदास बैठे रहते हैं, उदास घूम से बैठे रहते हैं। कई बार मैं टोकती भी हूँ, मैंने कहा क्या हो गया माँ बाबू, क्या हो गया, टीवी देख रहे हैं तो चुपचाप से बैठ रहे हैं, फिर आवाज़ लगाऊँ बाबू बाबू क्या हो गया, बाबू बोलती हूँ, ना वो मेरा नाम लेते ना मैं उनका नाम लेती हूँ, बाबू नहीं बोलते हैं किसी को, लेकिन वह ना उदास से पता नहीं क्या है। आज तो उन्होंने चाय भी छोड़ दी है, कह रहे मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, तो फिर सुबह भी दूध पी गए थे, दूध में हल्दी दे दी थी, मैंने कहा तुम दूध ही पी लो सुबह शाम, और पता नहीं क्या हो रहा है, कमजोरी सी भी आ रही है उन्हें, और बस वो कहते हैं कोई बात अगर मन में बैठ जाती है जाती नहीं है, पर पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, बताते भी नहीं है क्या है क्या नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत समझा लिया है, घर से भी फ़ोन आ गया है, देवर का भी दिन में भी आया था फ़ोन, कल भी आया था, सास से तो रोज़ बात करते ही हैं, शाम को फ़ोन पे बात कर लेते तो मैं भी कर लेती हूँ, सब ने समझा लिया है। इनके बड़े भाई का भी फ़ोन आया था कल सुबह बात करी थी, सब ने समझा लिया है, यहाँ पे भी समझाते रहते हैं, पर वह पता नहीं एक बात है जो मन में लेके बैठ गया है। वैसे तो काम पुजारी का भी फ़ोन किया था, सुबह भी किया था मैंने फ़ोन, अभी भी किया, कह रहे मैं ठीक हूँ, तो चलिए फिर गुड्डो बैठी हैं, गुड्डो के बाल झाड़ दूँ मैं, कंघी कर दूँ, गुड्डो की आँखें देखो, गुड्डो सो गई, आँखें कैसी हो गई हैं, कैसी हो गई मैसेज आते हैं, मेरे साथ सो जाती है, जहाँ माँ वहाँ बेटे चाय पकड़ी, चली चली फिर रोल पीस लेती हूँ, पहले कंघी कर लेती हूँ बाल, बाल ना मेरे रुके रुके से होने लग गया बहुत, और पता नहीं क्या होता बाल धोने के बाद ना मेरे से बालों में कंघी नहीं होती, मुझे बहुत पहाड़ सा दिखता है, और आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, आज मैंने कोई वीडियो नहीं भेजा है, ना तो मुझे टाइम लगा, और बस मन भी नहीं था अंदर से, नहीं डाला आज मैंने वीडियो। चलिए फिर, और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने चाय चढ़ा ली है, और इधर मैंने जो चने की दाल थी वो भी मिक्सी में पीस ली है, तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करी है मैंने, मीडियम ही रखी है, और बस चाय हो जाएगी तो मैं चाय उतार दूँगी और तेल चढ़ा दूँगी कढ़ाई में। और ये जो चने की दाल की पकौड़ी होती हैं ये बहुत जल्दी बन के तैयार होती हैं, और खाने में भी बहुत स्वाद होता है इनमें, तो चने की जो चना है वो मैंने देखो पेस्ट बना लिया है उसका, और उसमें प्याज डाल दूँगी काट के, दो लंबे साइज में प्याज काटे हैं मैंने, हरी मिर्च डालूँगी, और हरी मिर्च में लेकर आई थी, बहुत अच्छी मिर्च मिली है, तेज़ बहुत है ये, और एक पाव करीब ले आई थी मैं, तो बस ये ख़राब ना हो तो उसके लिए मुझे इसकी डंठल जो होती है पीछे की वो निकाल के रखनी पड़ेगी, उससे ये होता है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। मैंने इसमें जीरा डाला है, चाट मसाला डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी पिसी हुई, और पिसी हुई हल्दी डालूँगी, और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, और बस मिला के चम्मच की हेल्प से मैं इसे तल लूँगी, चाहे तो हाथ से भी तल सकते हैं लेकिन मैं चम्मच से ही करूँगी ताकि हाथ गंदे हो जाते हैं बार बार फिर उन्हें धो। बस इस बीच जो है उतर चुकी थी सारी, ये लास्ट था,
और अनिकेत को पसंद है ज़्यादा, तो अनिकेत लेके बैठ गया था, मेरे बगल में ही खड़ा था। और जब ऐसा कुछ बनता है तो बच्चों से सब्र तो होता नहीं है, ये होता है कि मम्मी जल्दी से बनाओ और जल्दी से खिला दो हमें। बस ये है फ्राई बनाए हैं मैंने, तो ये इसके पापा नहीं खाएंगे, मैं उन्हें नहीं दूंगी क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है, नहीं खाना है उन्हें। पर वो है कि चलो डॉक्टर ने उन्हें मना करा है, लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना पड़ता है, बच्चों को देना पड़ता है। और बस शाम का नाश्ता था, क्योंकि दिन में तो छोले चावल बना लिए थे, अब शाम को यही बनाऊँगी। और डिनर में बनाऊँगी मैं सरसों का साग। ये लीजिए खा लिए, गरम गरम पकोड़े बन गए हमारे। और ना मैंने चम्मच से निकाले हैं, तो वो होता है ना कि हाथ से भी होता है कि हाथ से भी डालो गोल गोल उतार देंगे, लेकिन मैं चम्मच से उतारे हैं। और देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। अगर फैन चला दूंगी तो फिर गैस में दिक्कत होती है। तो फिर लीजिए गर्म गर्म पकौड़े। और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि गुड्डू पकौड़ी किस तरह खाती है, तो वो आपसे भी कह रही थी कि आप भी खा लो। तो आप चुपचाप से देख भी सकते हैं कि वो ना प्याज अलग कर रही है उस, मतलब इस तरह की मुझे दिखे ना। और मैं चुपचाप से बनाना चाह रही थी, लेकिन उसे पता चल गया मम्मी वीडियो बना रही है। तो आप भी खा लीजिए गरम गरम पकौड़े चटनी के साथ, धनिया वाली चटनी है ये, और बहुत ईजी बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ हैं ये। 5:30 हो गए, अब निपटी हूँ मैं बना के, बच्चे जो हैं खा पी के चटनी नीचे चले गए खेलने के लिए, और शाम का टाइम है, और मैं भी अब चाय पीऊँगी और मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी और थोड़ा सा नीचे घूम कर आऊँगी। फिर साग रखा हुआ है, साग बनाना है मुझे, साग काटना है। और साग मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने पहले पिछली वीडियो में, परसों वाली में या उससे एक पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है आपको, तो साग की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी। और बस सोचा आपसे विदा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है, मुझे टाइमिंग देखनी होती है वीडियो की, कितना लंबा वीडियो हो रहा है। और फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो में कुछ काट भी नहीं पाते, मन नहीं होता है कि हम ये काटें वो काटें, और तो फिर वो वीडियो हो जाता थोड़ा लंबा और फिर देख नहीं पाते हैं सब। कोई बात नहीं, नहीं देख पाते हैं पूरा, कोई बात नहीं, और इसमें कोई वो नहीं है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और बस अगर मन में हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया होगा, और अगर लाइक नहीं किया होगा तो एक लाइक तो ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मुझे मोटिवेट करता है। और हो सके तो फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर भी करना मेरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और क्या हो रहा है, मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, मुझे हाथ में लेना पड़ रहा था, मेरा हाथ दुख रहा है। तो ओके, मिलते हैं।